नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीशाम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 84वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा पढ़ रहे थे। ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा में हमने पढ़ा किस प्रकार से ब्रिटेन में भूगोल का उद्भव एवं विकास हुआ, कौन कौन से विद्वानों का इसके विकास में, इसके उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे कि हमने पढ़ा ब्रिटेन में जो फ्रांस और जर्मनी की तुलना में जो भूगोल का विकास है वो देरी से प्रारंभ हुआ, 19वीं शताब्दी के अंत में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भूगोल का प्रारंभ है वो अध्ययन है वो एक संकल्पनात्मक रूप में या एक व्यवस्थित रूप में प्रारंभ हुआ था, जिसमें विशेषतः जो महत्वपूर्ण योगदान था वह था हाफोर्ड जॉन मैकिंडर का। हाफोर्ड जॉन मैकिंडर है, उनके बारे में सामान्य जानकारी या उनका जीवन परिचय वगैरह हमने पढ़ लिया था। तो भूगोल का प्रारंभ एक प्रकार से 1887 में जब इनके द्वारा रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सामने जब इनके द्वारा एक अपना भाषण प्रस्तुत किया गया था, जिसका विषय था भूगोल का विषय चित्र एवं विधियां, भूगोल का विषय क्षेत्र एवं विधियाँ, ये जो एक भाषण इनके द्वारा रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किया गया था 1887 में, उसी के कारण इनकी भूगोल में रुचि को देखते हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्हें भूगोल विभाग का रीडर नियुक्त किया गया था। यहाँ से जो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी है उसके आंशिक अनुदान से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जियोग्राफी के अध्ययन का प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से जो जॉन मैकिंडर जो हैं, मैकिंडर के द्वारा ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं ब्रिटेन में भूगोल की स्थापना की गई या भूगोल का जो अध्ययन है उसको भी आगे बढ़ाया गया, विकास इनके द्वारा भूगोल के अध्ययन का किया गया। तो एक अच्छे भूगोलवेत्ता और एक अच्छे अन्वेषक भी थे, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा ब्रिटिश मान्यता है कि एक अच्छे भूगोलवेत्ता को एक अच्छा अन्वेषक और साहसी कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो वो कहावत भी इनके द्वारा चरित्रार्थ करने का कार्य है वो किया गया। इनके द्वारा पूर्वी अफ्रीका की खोज यात्रा और कीनिया पर्वत पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति ये बने थे। अब हम देखते हैं मैकिंडर की रचनाएं। तो मैकिंडर की रचनाओं में विशेषतः जो सबसे पहले इनके द्वारा एक भाषण प्रस्तुत किया गया, उसके बाद की इनकी जो रचनाएं हैं जिनमें सबसे पहले 1902 में आई थी ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर, ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर, ये इनकी सबसे पहली रचना है। ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज। दूसरी जो इनकी रचना है वह है इतिहास की भौगोलिक धुरी, इतिहास की भौगोलिक धुरी, यह इनकी रचना आई थी 1904 में।
ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख रचना इसको हम कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख रचना इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इन्हीं की जो ये जो रचना है ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री या इतिहास की भौगोलिक दूरी, इसी के माध्यम से इन्होंने अपने जो हार्टलैंड थ्योरी है यानी हृदय स्थल सिद्धांत जो है वो इनके द्वारा दिया गया था, जिसके कारण इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है ब्रिटेन में, जो कि सामरिक महत्व की दृष्टि से ब्रिटेन को ये अग्रणी मानना स्थान दिलवाना चाहते थे विश्व में, तो उसके आधार पर इन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत की जो संकल्पना है वो इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, वो इसी पुस्तक में इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी 1904 में जो की आई थी, जो ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की भौगोलिक दूरी ये आई थी 1904 में। ये दो रचनाएं हैं। इसके बाद में इनकी तीसरी एवं महत्वपूर्ण रचना है लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थ। लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थ यानी डेमोक्रेटिक आइडियल्स और रियलिटीज, ये आई थी 1919 में। आइडियल्स एंड रियलिटीज, ये पुस्तक आई थी इनकी 1919 में, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज। इसके बाद में अगली जो पुस्तक है वो राष्ट्र और आधुनिक विश्व, नंबर 4 राष्ट्र और आधुनिक विश्व यानी नेशंस एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो पुस्तक है ये आई थी इनकी 1924 में। चौथी महत्वपूर्ण पुस्तक है नेशंस एंड मॉडर्न वर्ल्ड, राष्ट्र नेशंस एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये पुस्तक आई 1924 में। तो इसमें जो विशेषतः आधुनिक विश्व है उसके राष्ट्र जो हैं या नेशंस, आधुनिक विश्व के देशों का जिक्र इसमें किया गया है 1924 में। इसके बाद में पांचवीं एवं महत्वपूर्ण इनकी जो रचना है वह है गोल विश्व एवं शांति की विजय, 1943 में आई गोल विश्व एवं शांति की विजय। विश्व एवं शांति की विजय, राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस के नाम से ये पुस्तक आई थी, राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस 1943।
तो ये पांचवी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस। तो ये पांच रचनाएं हैं हाफोर्ड जॉन मैकिंडर की। ये पांच महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मैंने आपको पहले भी बताया कौन सी है, इतिहास की भौगोलिक दूरी। तो ये पांच रचनाएं, जैसे सबसे पहली ब्रिटिश सागर, उसके बाद में इतिहास की भौगोलिक दूरी, ज्योग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री, उसके बाद में है तीसरी पुस्तक लोकतांत्रिक आदर्श और यथार्थ, और चौथी पुस्तक है राष्ट्र और आधुनिक विश्व, पाँचवीं पुस्तक है गोल विश्व एवं शांति की विजय, राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस। ये जॉन हाफोर्ड जॉन मैकिंडर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद में आती है मैकिंडर की विचारधारा, भौगोलिक विचारधारा या विचारधारा। तो यूरोपीय जो भूगोलवेताओं में हमने दो जो भूगोलवेता हैं, विशेषतः फ्रांस से संबंधित एवं जर्मनी से संबंधित जो भूगोलवेता हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें अलग अलग हमें विशेषतः नियतिवादी से संबंधित, जैसे फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं वो संभववाद से संबंधित रहे हैं, तो मैकिंडर जो हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से नियतिवादी भूगोलवेता हम उनको कह सकते हैं। ये विशेषतः रिस्थोफेन और रेटजेल का जो प्रभाव है वो इनके विचारों पर देखने को मिलता है। कौन से दो विद्वानों का? वान रिस्थोफेन और दूसरा फ्रेडरिक रेटजेल। इन दो विद्वानों के विचारों का जो प्रभाव है वो हाफोर्ड जॉन मैकिंडर पर देखने को मिलता है, यानी ये रेटजेल के नियतिवादी विचारों को मानते थे। तो विशेषतः इनके द्वारा जो रेटजेल के नियतिवादी विचार हैं उनका ब्रिटेन में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नियतिवादी विचारधारा का प्रचार इनके द्वारा ब्रिटेन में किया गया था, नियतिवादी विचारधारा का ब्रिटेन में प्रचार इनके द्वारा किया गया। वॉन रिस्थोफेन और रेटजेल के जो विचार हैं उनका प्रभाव इनके विचारों पर देखने को मिलता है। इसके बाद में उनके जो इनका मानना था कि किसी भी स्थान के पर्यावरण को समझे बिना वहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थान के पर्यावरण को बिना उस स्थान के ऐतिहासिक घटनाओं को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि पर्यावरण का हम अध्ययन करेंगे, वहाँ के पर्यावरण को समझेंगे तो हम वहाँ के इतिहास की जो घटनाएं हैं किन कारणों से घटित हुई हैं, क्या क्या कारक उनको प्रभावित करने वाले रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम समझ पाएंगे। अगर हम किसी भी स्थान का अध्ययन कर रहे हैं, ऐतिहासिक अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ के अगर भौगोलिक पर्यावरण को हम नहीं जान सकते तो वहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। मैकिंडर के अनुसार किसी भी स्थान का जो राजनीतिक भूगोल है उसका निर्माण भौतिक पर्यावरण एवं भौतिक भूगोल के ऊपर ही आधारित होता है।
किसी भी स्थान के राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल का निर्माण किससे होता है? भौगोलिक एवं भौतिक पर्यावरण से, ऐसा मानना था मैकिंडर का। यानी किसका समर्थन कर रहे हैं? ये नियतिवाद का। यानी पर्यावरण है वो मनुष्य की प्रत्येक घटना को प्रभावित करता है, उसको नियंत्रित करता है। तो किसी भी स्थान के राजनीतिक भूगोल का निर्माण वहाँ के भौतिक पर्यावरण एवं भौतिक भूगोल के ऊपर आधारित होता है। भौगोलिक, भौतिक पर्यावरण एवं इसके अलावा भौतिक भूगोल के ऊपर आधारित होता है। वहाँ का पर्यावरण कैसा है, जलवायु कैसी है, उसके अलावा वहाँ की भौतिक स्थिति कैसी है, मृदा की संरचनाएँ कैसी हैं, किस प्रकार के स्थलरूप वगैरह पाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों का प्रभाव है वो उस स्थान के राजनीति के ऊपर भी देखने को मिलता है, ऐसा मानना था मैकिंडर का। यानी ये एक प्रकार से नियतिवादी विचारधारा जो है उसको ब्रिटेन में इनके द्वारा प्रचार प्रसार है वो किया गया। इसके बाद में इनके द्वारा एक हृदय स्थल की संकल्पना है वो प्रस्तुत की गई थी। ये एक सच्चे देशभक्त थे और ब्रिटेन को विश्व में प्रथम स्थान यानी सर्वोच्च स्थान दिलवाना चाहते थे। विश्व में ब्रिटेन को सर्वोच्च स्थान प्रदान करना चाहते थे। इसी पर आधारित इनके द्वारा एक हृदय स्थल की संकल्पना है वो प्रस्तुत की गई, जो कि मैकिंडर इसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं, जो कि सामरिक दृष्टि से ब्रिटेन को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का इनका उद्देश्य था। हृदय स्थल की संकल्पना या हार्टलैंड कॉन्सेप्ट, यानी हृदय स्थल की संकल्पना इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। और इनका विचार था कि जो व्यक्ति या जो भी शक्ति है वह जो पूर्वी यूरोप पर अगर शासन करेगी तो वो क्या करता है, हृदय स्थल को नियंत्रित करता है। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वो हृदय स्थल को नियंत्रित करता है, और जो हृदय स्थल पर शासन करता है वो पूरा विश्व द्वीप है उसको नियंत्रित करता है। यानी हृदय स्थल वाला जो स्थान है विशेषतः, यानी पूर्वी यूरोप के द्वारा इन्होंने क्या कहा कि जो पूर्वी यूरोप के ऊपर शासन करेगी जो शक्ति वो हृदय स्थल को नियंत्रित करेगी, और जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वो विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा। अब जो विश्व द्वीप इनके द्वारा बताया गया उसके ऊपर जो शासन करता है वो संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करता है, ऐसी इनकी मान्यता थी। अब इनकी जो हार्टलैंड का सिद्धांत है उसको अलग से पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें आपको कौन कौन से क्षेत्र हैं वो इनके द्वारा हृदय स्थल में सम्मिलित किए गए, कौन कौन से क्षेत्रों को उसके आसपास की अर्धचंद्राकार पेटी है या आंतरिक पेटियां हैं उनमें सम्मिलित किया गया, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें आगे जब हृदय स्थल का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। अब हृदय स्थल सिद्धांत में इन्होंने विशेषतः इनका मानना था कि अगर ब्रिटेन को विश्व पर अधिकार करना है या विश्व पर नियंत्रण करना है तो उसे अपनी नौसेना के साथ साथ में स्थल जो सेना है उसका भी विस्तार करना होगा। विशेषतः जो पूर्वी यूरोप के ऊपर अगर नियंत्रण स्थापित करना है तो वहाँ पर स्थल सेना के साथ में नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना था। तो इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भी ब्रिटेन को आगाह किया था कि उसे नौसेना के साथ साथ स्थल शक्ति के विकास पर भी विशेष बल देना चाहिए। यानी नौसैनिक शक्ति को जैसे ब्रिटेन के द्वारा बढ़ाया गया उसी प्रकार से स्थल शक्ति का भी को भी बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। जिससे क्या है, विशेषतः पूर्वी यूरोप जो है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि पूर्वी यूरोप के ऊपर अगर अधिकार करना है तो वो स्थल शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि उसके साथ में ये कह सकते हैं कि जो
एशिया से लगता हुआ भाग है, वहाँ पर जो नौसेना है उसकी तुलना में यहाँ पर किसकी आवश्यकता होगी, स्थल शक्ति की आवश्यकता होगी। तो इनके द्वारा पहले ही यह बात कही गई कि स्थल शक्ति का विकास करना होगा अगर आप पूर्वी यूरोप के ऊपर अधिकार करना चाहते हैं। तो ब्रिटेन अगर विश्व शक्ति के रूप में ऊपर उठना है तो उसे पूर्वी जो क्षेत्र है उसके ऊपर अधिकार करना होगा। और इन्होंने अपने लेखों भाषणों के माध्यम से ब्रिटेन को विशेषतः पूर्वी यूरोप के ऊपर अधिकार करने के लिए प्रोत्साहित भी इनके द्वारा किया गया था। तो ये एक प्रकार से देशभक्त सच्चे देशभक्त थे जिनके द्वारा अपने देश को ब्रिटेन को सर्वोच्च स्थान विश्व में प्रदान करने के लिए इनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया गया। तो जो हृदय स्थल का सिद्धांत है उसके बारे में हम अगली क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।